आप कंफ्यूज समझ रहे थे सुब्रतो साहा, उसकी जगह मैं आपको बता रहा था सुब्रतो मुखर्जी। अब मेरे साथ इसी बात का पनिशमेंट आप ये रिपीट करिए, आर्मी के पहले चीफ राजेंद्र जा, शहबाज खड़े हो जाओ, राफेल, आर्मी के पहले चीफ बताओ, वेरी गुड, एयरफोर्स के पहले चीफ मुखर्जी, साथ बोल रहा है, और बोलो तीन बार सुब्रतो मुखर्जी, हाँ सुब्रतो मुखर्जी क्या थे ये फर्स्ट जनरल एयरफोर्स के, हाँ चीफ, और नेवी का पहला आरडी कटारे, बैठ जाओ। अब क्वेश्चन इसका कोई आंसर नहीं है, एक तीर से चार शिकार हुए, इसका एग्जैक्ट आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है, ये आपकी नॉलेज के लिए है। और सोमनाथ शर्मा कौन है? वेरी गुड, शाबाश, खड़े हो जाओ मेरे से। इनमें से युद्ध का संबंध नहीं है, ध्यान रखना, बाकी चुप रहिए। 1991 क्या हुआ? 1191 में तराइन का पहला युद्ध, 1192 में, वेरी गुड, 1764 में, वेरी गुड, शाबाश, बोलो 1191 में, 1192 में, और बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764। अब यहाँ पे है 1905, क्या हुआ भाई? 1905 में बंगाल का विभाजन, शाबाश। एक तीर से चार शिकार हो पा रहे नहीं हो पा रहे? जिसको जगह नहीं मिल रही पेपर में वो अपनी नोटबुक में नोट कर लो, लेकिन ये पेपर इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें से आपके 15 में से 4 से 5 क्वेश्चन फंस जाएंगे इसी पेपर में से आर्मी में। अगला क्वेश्चन, कौन सी ट्रॉफी का संबंध बैडमिंटन से नहीं है? कुबेर, डेविस, नारंग और थॉमस, वेरी गुड, डेविस का संबंध लॉन टेनिस से है, बाकी तीनों का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। क्लियर? अगला क्वेश्चन, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या? पांच, वेरी गुड, बास्केटबॉल में पांच, वॉलीबॉल में छह, कबड्डी में सात, बेसबॉल में नौ, वेरी गुड, पोलो में चार, कबड्डी में सात, वेरी गुड, रग्बी फुटबॉल में 15, रग्बी फुटबॉल में 15, तो सबसे ज्यादा खिलाड़ी किसको होता है? रग्बी फुटबॉल में। मैं ज्यादा तेज कर रहा हूँ तो बताओ, धीरे चलो। संघ लोक सेवा आयोग का चेयरमैन कौन है? एक मिनट, रुको 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 रुको, खड़े हो जाइए आप। संघ लोक सेवा आयोग, क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन है, इसमें कौन से हैं? कल ही बताया था मैंने, मनोज सैनी, वेरी गुड, ये अजीत डोभाल कौन है? अजीत डोभाल कौन है? सुमन गिरी कौन है? किसका? नीति का। अजीत डोभाल है राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? मनोज, वेरी गुड, बैठ जाओ। और उदय उमेश ललित, ये पुराने हमारे जस्टिस थे, उदय उमेश ललित को काटो और यहाँ पे लिखो डी वाई चंद्रचूड। उदय उमेश ललित पूर्व न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, पार्ट दो। तो अभी क्या है? बोलो को डाउट। अगला क्वेश्चन, सुमन बेरी लिखो, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, क्लियर? आगे देखिए, इनमें से प्रथम नहीं है द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, मैं इन चारों को, वैसे क्वेश्चन के अनुसार तो प्रथम नहीं है, अगर प्रथम राष्ट्रपति की बात आए तो द्रौपदी मुर्मू प्रथम महिला राष्ट्रपति नहीं है। दूसरी है, अरे दूसरी महिला राष्ट्रपति है या नहीं? देश की दूसरी और पंद्रहवीं राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये क्वेश्चन द्रौपदी मुर्मू से संबंधित ये आ सकता है कि देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति, देश की पहली महिला आदिवासी, समझ गए? और देश की पहली महिला राष्ट्रपति, समझ में आ गया? तीन ऑप्शन बड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें तीनों देखिए। मीरा कुमार कौन है? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम महिला
लोकसभा अध्यक्ष। ये कांग्रेस के कार्य मनमोहन सिंह जी के टाइम पे थी। किरण बेदी कौन है? फर्स्ट आईपीएस। अच्छा, पहली महिला आईपीएस किरण बेदी है, तो पहली महिला आईएएस कौन है? अन्ना जॉर्ज। अन्ना जॉर्ज, वेरी गुड। आपसे आईपीएस की जगह आईएएस भी पूछा जा सकता है। अन्ना जॉर्ज, ये आपका जो अगला पेपर है महिला स्पेशल, उसमें आएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे बड़ा नदी पुल कौन सा है? भाई साहब, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। भारत का सबसे बड़ा नदी पुल लोहित नदी पर है। कौन सी नदी पर? लोहित नदी पर। और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी क्या है? लोहित है। क्लियर है? अब यहाँ पे बात आती है कि इसका नाम भूपेन हजारिका है और दो जगह है, एक ढोला एक सदिया। एक ढोला एक छोर पे है, ढोला दूसरे छोर पर है, इसलिए इसको ढोला सदिया सेतु भी कहते हैं। बोलो क्लियर है? आगे बढ़ू। क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से कौन सी सभ्यता कांस्य युगीन है? सुभाष खड़े हो जाओ। कांस्य युगीन सभ्यता से आप क्या समझते हैं? क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे के बर्तन यूज करते थे? क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान था? क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था? क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे? आया ना? मोहन जोदड़ो की खोज राखन दास बैनर्जी ने 1922 में की, क्या बात ये सही है? हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम शाहनी ने की, बात सही है? बैठ जाओ, वेरी गुड। क्या सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2500 बीसी से 1750 बीसी माना जाता है? आया ना? ओके, अगला क्वेश्चन। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? वेरी गुड, धर्मेंद्र प्रधान। हमारे पहले, आप सुनिए इस बात को ध्यान से सुनना, अभी शिक्षा मंत्री बोला जाता है और पहले बोला जाता था क्या? मानव संसाधन विकास मंत्री। आजकल मानव संसाधन विकास मंत्री हटा दिया गया और क्या बोले जाने लगा? शिक्षा मंत्री। तो शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अब तो तीन ऑप्शन हम इनको भी देखते हैं। एस जयशंकर कौन है? वेरी गुड। हमारे विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर मिनिस्टर या फिर हमारे कृषि मंत्री? और अगला है नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री। क्लियर है? तो सड़क परिवहन मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री कौन है? रेल मंत्री कौन है? गृह मंत्री कौन है? जल शक्ति मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह है। एस जयशंकर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? जगदीप धनखड़ कौन है? ओम बिड़ला कौन है? हरिवंश नारायण सिंह कौन है? शाबाश, राज्यसभा का उपाध्यक्ष। एक्सीलेंट आंसर। अगला है कौन सा क्वेश्चन? 15वें क्वेश्चन पे आइए। इनमें से किसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है? वेरी गुड। देखिए 1922 का तो है क्योंकि 1922 में किसकी खोज हुई थी? ओके, लोथल। लोथल से क्या क्वेश्चन बन सकता है? लोथल एक बंदरगाह है। वेरी गुड, कहां पर ये? शाबाश। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य का संबंध इससे सिंधु घाटी से नहीं है, लेकिन अर्थशास्त्र लिखी किसने? कौटिल्य ने। और 1921 हड़प्पा, क्या आंसर आएगा? दयाराम। समझ में आ गया? यस सर। ओके भाई, अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री है स्मृति ईरानी। अल्पसंख्यक होता है बेटा माइनॉरिटी अफेयर्स। माइनॉरिटी अफेयर्स में जैसे मुस्लिमों की कम संख्या है, क्रिश्चियन की कम संख्या है, सिखों की कम संख्या है, तो इनको ध्यान में रखते हुए कौन सा मंत्रालय बनाया गया? अल्पसंख्यक मंत्रालय। और अल्पसंख्यक मंत्रालय की मंत्री है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी के पास तीन चार मंत्रालय है,
ठीक है। तो अल्पसंख्यक यहाँ पे ध्यान रखना इस वर्ग की ईरानी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किरण रिजिजू कौन है? वेरी गुड, देश के कानून मंत्री कौन है? किरण रिजिजू, कानून मंत्री को इंग्लिश में बोलते प्रोम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है अश्वनी वैष्णव, रेल मंत्री, और निर्मला सीतारमण है आपकी वित्त मंत्री। निर्मला सीतारमण है जिन बच्चों के सिर में दर्द हो रहा था, अब थोड़ी हो रहा होगा, आप तो भूल गया दोस्तों सिर को। जिस बच्चे को हिंदी में दिक्कत है प्लीज रेज योर हैंड्स, ऑन द सेम टाइम आई कैन ट्रांसलेट।